हमारे जो मतदाता हैं वो जागरूक नहीं हैं और अपने मत की कीमत नहीं समझते हैं। ये हमारी व्यक्तिगत जिम्मेवारी है कि हमने अपना वोट बनाना है। उस वोट को फिर उसी तरह से फोल्ड करके और जो मत पेटी लगी होती है हमारी वो उसी वो इसी तरीके से डाला जाता है। राजकीय उच्च विद्यालय खजूरनू में हिमाचल पूर्ण दिवस तथा मतदाता दिवस मनाया गया। इस अवसर पर स्कूल के मुख्य अध्यापक श्री राकेश रैना ने हिमाचल दिवस एवं मतदाता दिवस की बधाई दी एवं बताया कि आज के दिन 25 जनवरी 1971 को हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था तथा भारत निर्वाचन आयोग का गठन भारतीय संविधान के लागू होने से एक दिन पहले 25 जनवरी को किया गया था। इस अवसर पर स्कूल के अध्यापकों ने बच्चों को मॉडल के माध्यम से पूरी चुनावी प्रक्रिया का प्रदर्शन करके समझाया और मतदान की महत्ता पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने भाषण प्रतियोगिता में भी भाग लिया। पेश है पीआर न्यूज की विशेष कवरेज। जैसे कि आज मतदाता दिवस है उसके बारे में हम खुद ही बता चुके हैं, लेकिन ये हमारी चुनाव प्रक्रिया किस तरह से चलती है। लोकसभा चुनाव होते हैं, राज्यसभा चुनाव होते हैं और एक पंचायत के चुनाव होते हैं, तो उसके बारे में एक मैं संक्षेप में जानकारी देना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं बताऊँगा कि जो हमारा पंचायत का चुनाव होता है वो किस तरह से होता है। उसके लिए जो एआरओ है वो सबके जो भी उम्मीदवार खड़े होते हैं उनके आवेदन देते हैं और फिर उनकी लिस्ट बना करके उनके बैलेट पेपर में उनके नाम जो है वो लिखे जाते हैं। इस तरह से जैसे प्रधान पद के लिए जो उम्मीदवार होंगे उनके आगे उनका जो चुनाव चिन्ह है वो इस तरह से दिया होगा, इसी तरह से उप प्रधान पद के लिए जो उम्मीदवार खड़ा होगा उसके भी नाम और चुनाव चिन्ह जो है वो दर्शाया जाता है। और वार्ड पंच, वार्ड पंच के लिए उसका नाम उसके सामने जो है उसका चुनाव चिन्ह जो है वो दर्शाया जाता है। और एक समिति और जिला परिषद का चुनाव भी साथ साथ में होता है, तो उनके भी इस तरह से बैलेट पेपर में उनके नाम जो है वो लिखे जाते हैं। अब जो प्रधान उप प्रधान और वार्ड पंच का चुनाव जो है उसके जो मत हैं वो उसकी एक ही पेटी में डाले जाते हैं, लेकिन समिति और जिला परिषद जो हैं उनके अलग से डाले जाते हैं। अब जिला परिषद और समिति के चुनाव की गिनती जो है वोटों की गिनती जो वो अलग से होती है, उनको वीडियो ऑफिस में जमा करवाई दिया जाता है, फिर डेट मिलती है तो उनकी काउंटिंग होती है। लेकिन जो हमारे प्रधान उप प्रधान और वार्ड पंच का चुनाव है वो उसी दिन हो जाता है, उस पेटी का उसी दिन शाम को खोल दिया जाता है और उनका जो भी जीता है उसको उसी में ये बता दिया जाता है। तो इसी तरह से हमारी ये चुनाव प्रक्रिया चलती है। सबसे पहले इसमें कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर उसको इस प्रकार का यहाँ पर ये लगाया जाता है कि ताकि पहचान हो जाए कि ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर है। और उस तरह से जो हमारे 3 पोलिंग ऑफिसर होते हैं उनके लिए इस प्रकार के स्टिकर जो हैं वो लगाए जाते हैं। और इसमें एजेंट होते हैं उनके लिए भी अलग से जो हैं वो पहचान दी जाती है, उनको लगाया जाता है। अब प्रिजाइडिंग और जो पोलिंग ऑफिसर हैं वो उसमें काम करते हैं। सबसे पहले एक हमारी निर्वाचक नामावली होती है, वोटर लिस्ट जो होते हैं वो उसमें आजकल फोटोयुक्त जो है वो उनके मत होता है। तो सबसे पहले जो पहला पोलिंग ऑफिसर है वो उसमें ये देखता है जो भी बाहर से पर्ची लेकर के आता है कि क्या वो वोट डालने आ रहा है, क्या उसका फोटो लगा है, क्या वही है या वही नंबर है। उसके बाद उसको उसके साइन करवा करके उसको स्याही लगा करके और फिर उसको एक बैलेट पेपर करते हैं इस तरह से उसको फोल्ड किया जाता है और इस तरह से उसको दिया जाता है। और बूथ में जाकर के अंदर वो उसमें स्टैंप लगाता है जहां जिसको वोट देना है और उसके बाद उस वोट को फिर उसी तरह से फोल्ड करके और जो मत पेटी लगी होती है हमारी वो उसी वोट इसी तरीके से डाला जाता है। इसी प्रकार से प्रधान उप प्रधान और वार्ड पंच तीनों के जो बैलेट पेपर है वो एक ही बॉक्स में जो है वो डाले जाते हैं और समिति और प्रधान के समिति और जिला परिषद के जो हैं वो दूसरी पेटी में डाले जाते हैं। और जब ये चुनाव की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है उसके बाद उन पेटियों को टैग लगा करके सील कर दिया जाता है और फिर उसके बाद जो उनकी गिनती जो की जाती है। तो इस प्रकार से हमारी जो चुनाव प्रक्रिया है वो चलती है। 1977 में पहले मांग उठी, उसके बाद मैंने बताया था कि 1982 में पहली बार केरल राज्य के एक पोलिंग बूथ पे ईवीएम का प्रयोग किया गया,
वो इसलिए किया गया कि पहले जो बैलेट पेपर से वोटिंग होती थी उसको बूथ कैप्चरिंग होती थी, जो बाहुबली नेता होते थे बूथ को कैप्चर कर लेते थे और उसमें जो कैंडिडेट नहीं बनना चाहिए जीतना चाहिए था वो कैंडिडेट जीत जाता। तो इसलिए उसके बाद सरकार ने निर्वाचन आयोग ने एक ईवीएम का जो स्कार हुआ दूसरे देशों से उसको लिया गया और उसके बाद उसमें पहले जो था वो दो यूनिट होती थी, एक कंट्रोल यूनिट और एक बैलेट यूनिट, जिसके बाद पिछले जो हमारे इलेक्शन हुए उसमें एक और चीज जोड़ी गई जिसको हम बोलते हैं वीवीपैट। वीवीपैट का जो है वो उसका मतलब वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रैक, इसका ये अर्थ है, मतलब इसमें है कि आपको जो वोटर है वो ये देख सकता है कि जिसको मैंने वोट डाला क्या वो वोट उसी को गया है कहीं दूसरे को नहीं चला। तो जब सबसे पहले वही प्रक्रिया है जैसे आपने बैलेट पेपर वाली देखी थी, तो सबसे पहले इलेक्ट्रोल में आके अपना नाम पहचान उसकी की जाती है, इंडेलिबल इंक स्याही में लगाई जाती, उंगली में लगाई जाती है, उसके बाद वोटर जो वो साइन करता है, उसके बाद जो वहाँ एक कंट्रोल यूनिट में पोलिंग ऑफिसर बैठा होता है वो प्रेस बटन दबाता है, उसके बाद जो वोटर है वो जो पोलिंग बूथ बना होता है उसके अंदर जाता है और जिस बैलेट पेपर जो बैलेट मशीन होती है बैलेट सेक्शन जो है उसमें देखता है कि किसको मैंने वोट डालना है, उसके सामने का जो बटन है उसको जो नीला बटन है उसको वो दबाता है और जब वो बीप की आवाज़ आती है तो समझो कि वोट उसका पोल हो गया। उसके बाद उसके बगल में एक वीवीपैट मशीन लगी होती है, उसमें एक विंडो है, तो 5 सेकंड वहां पे रुकने के बाद विंडो में एक पर्ची कट के आती है, उसमें जिस कैंडिडेट को उसने वोट डाला है उसका साइन चिन्ह और उसका नाम उसमें जाता है, उसमें यह पता चलता है कि जिस वोटर ने जिस मतदाता ने जिसको मत डाला जिस कैंडिडेट को डाला उसी को ही पड़ा या किसी और को तो नहीं चला। तो ऐसा नहीं, वो ये होता है कि उसको वेरीफाई हो जाता है कि हाँ जी मैंने कांग्रेस को या बीजेपी केंद्रीय कैंडिडेट को वोट डाला है तो वोट उसको ही गया है और उसके वो निश्चिंत हो जाता है। तो जो बीच में शिकायतें चल रही थी कि जी ये मशीनें हैक हो जाती हैं और ये वोट कहीं और डलता है, वोट किसी और को चला जाता है, तो वीवीपैट से ये वेरीफाई हो जाता है कि जो हाँ फिर के लिए उसने वोट दिया है जिस कैंडिडेट को दिया है उसी के लिए वोट ये ही किया है, उसी को वोट पड़ा है। तो यही इसकी प्रक्रिया है। मतदान 18 वर्ष से ऊपर का व्यक्ति कर सकता है, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, और जो नया मतदाता बनता है वो 18 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद बनता है, 17 कंप्लीट 18 वर्ष का, वो सिर के अप्लाई कर सकता है एसडीएम साहब के द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं बताए गए हैं। पहली बात तो सभी को जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुकी है वो सभी व्यक्ति, लड़का लड़की, अपना वोटर बनाए ये सुनिश्चित कर ले। ये हमारी व्यक्तिगत जिम्मेवारी है कि हमने अपना वोट बनाना है। जो इनकी लड़कियों की शादी हो जाती है वो वोट वहाँ से शिफ्ट कर दिए जाते हैं, तो जिस लड़की की शादी जहाँ पे की गई है वहाँ पे उस लड़की का वोट बनाया जाता है फिर, और जिस फैमिली के बीच में किसी की डेथ हो गई है तो वोटर लिस्ट से हमारी जो मतदाता सूची है वहाँ से उसका नाम काट दिया जाता है। तो मैं सभी बच्चों से निवेदन करूँगा कि आपके घर में अगर कोई 18 वर्ष की आयु का है तो वो अपना वोट बनाए, और अगर किसी का शिफ्टेड है, किसी के भाई बहन की सॉरी बहन की शादी हो गई है तो उसका वोट वहाँ से शिफ्टेड करवाए, बीएलओ से मिले और उसमें से बताए। तो मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ, अध्यापक महोदय जी का धन्यवाद करता हूँ, और आपको सब कुछ बता दिया गया मतदाता कि कैसे मतदान करते हैं, ईवीएम मशीन का क्या कार्य रहता है। प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको विदित है कि आज हमारे 2 दिवस जिनको हम मनाने जा रहे हैं उनमें जो सबसे बड़ी चीज़ है एक तो पूर्ण राज्यत्व दिवस और दूसरा है मतदाता दिवस। मैंने पहले भी आपको बताया था कि मतदाता दिवस जो हम मनाने जा रहे हैं उसकी हमें क्यों जरूरत पड़ी, उसकी जरूरत हमें इसलिए पड़ी कि जब हमने देखा कि जब हमारी पोलिंग होती है तो हमारे जो वोटर हैं हमारे जो मतदाता हैं वो जागरूक नहीं हैं और अपने मत की कीमत नहीं समझते हैं, तो पोलिंग का जो परसेंटेज था वो बहुत कम था
कहीं 30% पोलिंग होती थी, कहीं 35% पोलिंग होती थी। तो इस पोलिंग को बढ़ाने के लिए हमारे निर्वाचन आयोग ने और हमारी सरकार ने एक निर्णय लिया। और जैसे कि आपको पहले बोला है, पता है कि पहल हमने भारत ने पहला जो था 25 जनवरी 2011 को पहला मतदाता दिवस मनाया, और तब से हम हर साल राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते आ रहे हैं। और इसलिए वो कि मतदाता हमारा जागरूक हो, अपनी लोकतांत्रिक जो हमारी प्रक्रिया है, लोकतांत्रिक जो हमारा सिस्टम है, उसकी महत्ता को समझे, और इसलिए वो क्या। तो इतना ही बताते हुए जय हिंद जय भारत।